BSNL का ऑफिस है बद्रीनाथ का, ये जैन धर्मशाला है जो बंद है, और ये रास्ता जा रहा है आई थिंक वाटरफॉल, अपन देखते हैं वाटरफॉल का आई थिंक यहीं से रास्ता है। तो ये बद्रीनाथ बहुत खूबसूरत है। मुझे ये पता चला है कि ये हमारा सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से आदिनाथ भगवान जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन्हीं की यहाँ प्रतिमा है ऐसा बोला जाता है हमारे जैन धर्म में। तो उनके जहाँ से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था वो ऊपर एक उनके पद चिन्ह बने हैं, और वाटरफॉल भी, वाटरफॉल के जस्ट ऊपर जो बताया था उन्होंने वो वहीं है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। वो है बद्रीनाथ जी मंदिर, और बहुत भीड़ है, ट्रैक जितना है आई थिंक ऊपर जाने का। ये वाटरफॉल और वो ऊपर है अपना पश्चिम में जहाँ बने वाटरफॉल का रास्ता पूछना पड़ेगा। हम शॉर्टकट ले रहे हैं, ट्रैकिंग वाले शूज पहन के आना चाहिए था क्या? ऊपर तो है, पूरा वाइट, 10,500 फीट पे है, पूरा वाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये रास्ते पे तो चढ़ना पड़ेगा, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आए, बहुत मेहनत की है। यार ये तो खेतों वाला रास्ता है, यहाँ सीधा सीधा बना था सीमेंटेड वाला, वहाँ से भी जा सकते थे। ठीक है, ओह यार ये स्टिक लगा दिया मैंने, यार इन्होंने अंकल ने जो रास्ता बताया है इसमें सब ऊपर ऊपर चढ़ के ही जाना पड़ रहा है। सब तैयारी करके रख ली है इधर लोगों ने, ठीक
भाई इस रास्ते से मत आना, इस रास्ते से आ जाना। अरे यार दुख का है ख़त्म नहीं हो रहा। किसी ने बोला यहाँ से सेफ है। आई विश कोई मिल जाए वहाँ जो फोटोज वगैरह ले दे। कोई दिख तो नहीं रहा है, इतनी मेहनत तो कोई करता ही नहीं है। ओ देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो छोरी की। ओ फाइनली वी आर हियर। बद्रीनाथ का पूरा शहर और ये वाटरफॉल, सॉरी मुझे नाम पता करके आना चाहिए था बट मैंने नाम नहीं पूछा। यहाँ पर एक ही वाटरफॉल है